अजपा जब साधना क्या है? अजपा साधना ब्रह्मांडीय शक्तियों की सबसे पुरानी साधना पद्धति है। इस साधना का उल्लेख संस्कृत की सभी विधाओं, सभी ग्रंथों, उपनिषदों और तंत्र संहिता में भी पाया जाता है। इस साधना को आत्मविद्या के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान प्रदान करने की प्राचीन परंपरा के अनुसार अजपा साधना की गुप्त विद्या व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती थी। इस क्रिया को सिखाने को ही दीक्षित करना कहते हैं। यदि अजपा जप को साधारण भाषा में समझा जाए तो अजपा जप वह साधना है जिसमें साधक अपनी प्रत्येक श्वास को शिव के रूप में मानकर उसी की साधना करता है। श्वास लेते समय और छोड़ते समय वह ओम की ध्वनि का ध्यान करते हुए ध्याता व ध्येय में एकाकार की स्थिति का अनुभव करता है। इसमें किसी भी प्रकार की माला या मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि श्वास को ही माला मानकर जप करना होता है। अजपा जप योग की वह अवस्था है जिसमें योग करने के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता, बल्कि यह स्वतः हो जाता है। जब योग स्वतः हो जाता है तो श्वासों में शिव का वास हो जाता है। अजपा की तुलना किसी भी विद्या, किसी भी जप और किसी भी प्रकार के ज्ञान से नहीं किया जा सकता। अजपा के अभ्यास से समाधि की स्थिति भी प्राप्त हो जाती है। अजपा जप ऐसा योग है जिसको जीवात्मा माता के गर्भ में आने के समय से ही आजीवन करता रहता है। इसमें स्वाभाविक श्वास प्रक्रिया को नियमित, संयमित, दीर्घकालिक या अल्पकालिक करने के लिए किसी भी प्रकार के बाहरी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। उसे केवल यह ध्यान देना होता है कि कोई भी श्वास व्यर्थ न जाए। उसे अपनी तथा सर्वव्यापक दिव्य तत्व की एकता को स्मरण रखना होता है। यही वह सत्य है जिसे प्रत्येक श्वास अव्यक्त रूप से उसके हृदय में ध्वनित करती रहती है। यही अजपा जप है, यही अजपा साधना है। आइए इसे और विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। अजपा श्वास साधना जीवन एवं मृत्यु का विज्ञान है। प्राचीन समय में नौ ऋषियों के अनुसंधान एवं कठिन खोज के द्वारा इस साधना पद्धति का चरम विकास संभव हो पाया। बहुत कठिन परिश्रम के बाद इन ऋषियों ने स्वयं पर प्रयोग कर जो अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया, जो अंतिम चीज प्राप्त की, उसे ही अजपा साधना का नाम दिया। उनके साधना के फलस्वरूप प्राप्त इस गुण रहस्य को जानकर साधक को संपूर्ण विधाओं की कुंजी मिल जाती है। अजपा साधना उसे कहते हैं जिसे फिर कभी दोहराया ना जा सके। इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि यह बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से दोहराया जाता है, लेकिन और दूसरे प्रकार के मंत्रों में आवृत्ति करनी होती है, जबकि अजपा के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए अजपा को महामंत्र कहा गया है, क्योंकि इसकी कोई आवृत्ति नहीं होती। प्राकृतिक नियम के अनुसार इस महामंत्र की अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ आवृत्ति होती है, जो प्राण की महत्व ऊर्जा का अनवरत स्पंदन है। इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को स्पष्ट रूप से श्वास प्रश्वास के क्रम में सुना जा सकता है, और इसे ही हम अजपा मंत्र के नाम से पुकारते हैं। इसे हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है। अजपा एक व्यक्ति का समग्र जीवन चक्र है। जीवन तभी तक है जब तक इसकी आवृत्ति होती रहती है। इसी कारण अजपा को प्राण बीज मंत्र भी कहते हैं। अजपा को हम जीवन संगीत या जीवन गायत्री के नाम से भी पुकारते हैं। यह एक ऐसा संगीत है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके द्वारा निकलने वाला संगीत अनावृत और स्वाभाविक रूप से अपने आप होता है। समस्त विश्व और ब्रह्मांड के परिपेक्ष में इस अजपा की ऊर्जा केंद्रीय और केंद्रित है। अजपा को हमें किसी भी प्रकार के श्वास प्रश्वास के अभ्यास, यौगिक प्राणायाम अथवा ध्यान समाधि से तुलना नहीं करनी चाहिए। यह अपने आप में संपूर्ण प्रणाली है। यह एक अत्यंत उच्च वैज्ञानिक धरातल पर आधारित है, जो जीवन क्रम के सभी रहस्यों को उजागर करता है। अजपा का संबंध किसी भी प्रकार के योग और प्राणायाम के साथ जोड़ने पर
व्यक्ति का तथा मानव मात्र का अहित होगा और यह एक बहुत बड़ी भूल और मूर्खता होगी। यही वह विज्ञान था जिस पर प्राक वैदिक और वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से आधारित थी। अजपा से और कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि अजपा की स्थिति अत्यंत चिरस्थायी और चिरंतर में विद्यमान है। अजपा स्वास्थ्य प्रणाली सार्वभौमिक ऊर्जा के क्षय और संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे हम प्राण कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम अपने प्रत्येक निश्वास के साथ ऊर्जा का विनाश करते जा रहे हैं। इस क्रमिक ऊर्जा का विनाश हमारी ऊर्जा की प्राप्ति एवं संरक्षण से अधिक है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा का यह असंतुलन व्यक्ति के लिए घातक तो है ही, आगे चलकर समस्त संसार के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। अजपा प्रणाली के द्वारा इस असंतुलन को दूर किया जा सकता है, जो बाहर निश्वत होते हुए सांस पर दबाव डालकर ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है।